विराज, जो कि दूर से लोगों को सुपर अर्जुन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है, वो काफी हैरान है और सोच में पड़ गया है। इसका मतलब इस वर्ल्ड में भी कोई पावरफुल इंसान ऐसा भी है जो अच्छाई का रक्षक है, लेकिन अभी तक सुपर अर्जुन कहीं दिखाई तो नहीं दिया। कहीं ये लोग सच तो नहीं कह रहे हैं कि सुपर अर्जुन अब सच में अच्छाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? खुद से बातें करते हुए विराज कहता है। अगले ही पल विराज उन लोगों के पास जाता है जो लोग अभी सुपर अर्जुन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी लोगों की मांग है कि सुपर अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए सभी लोगों ने यूएनओ से यह अपील की है कि सभी देश मिलकर अपने न्यूक्लियर वेपन के दम पर सुपर अर्जुन को खत्म कर दे। भैया, क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी सुपर अर्जुन होगा कहां? विराज ने उन लोगों से पूछा। अब सुपर अर्जुन अच्छाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, तो वह अभी बुराई की ताकतों के साथ ही होगा और फिर से प्लानिंग कर रहा होगा इस दुनिया में तबाही लाने की, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन क्यों करेगा सुपर अर्जुन ऐसा? हो सकता है इन सबके पीछे किसी और का हाथ हो, विराज ने कहा। अरे नहीं नहीं, इन सबके पीछे होना हो सुपर अर्जुन का ही हाथ है, क्योंकि अगर सुपर अर्जुन चाहता तो धरती को शैतानों के हमले से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यह सब सुपर अर्जुन की साजिश थी। पहले उसने अच्छाई का रक्षक बनकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, और जब लोगों के बीच उसका विश्वास मजबूत हो गया तो उसने बुराई का साथ दे दिया, उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तभी वहां पर एक महिला आकर बोली, हमें तो लगता है कि सुपर अर्जुन डरपोक भी है, इसलिए तो अपनी जान बचाने के लिए उसने शैतानों से हाथ मिला लिया है, और ऐसा करके अब तो वो खुद भी सेफ है। बस मुसीबत में तो हम लोग हैं जिनकी गर्दन पर हमेशा मौत की तलवार लटकी पड़ी है, वैसे भी उसे क्या फर्क पड़ेगा लोगों के मरने से? उसकी तरफ से अगर पूरी दुनिया ही खत्म क्यों ना हो जाए तो उसे इसका बिल्कुल भी मलाल नहीं होगा। लोगों के मुंह से सुपर अर्जुन के बारे में यह सब सुनकर विराज को उनकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन तो हो रहा है, पर अभी भी सुपर अर्जुन को लेकर उसके मन में डाउट है। अभी विराज लोगों की भीड़ से निकलकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया है जहां बहुत सारी पुरानी मशीनें पड़ी हैं। उस जगह को देखकर लग रहा है जैसे वो कोई पुरानी बंद पड़ी गाड़ी की फैक्ट्री है, जहां बहुत सारी पुरानी कारें अभी भी पड़ी हुई है और उनमें जंग लग चुका है। आज मैंने लोगों को सुपर अर्जुन के बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन सभी लोग ज्यादातर सुपर अर्जुन के बारे में ये बात कर रहे थे कि सुपर अर्जुन अच्छाई का दुश्मन बन चुका है, और यहां तक कि सड़कों पर लगातार सुपर अर्जुन के खिलाफ लोग प्रदर्शन पर उतर आए, और कई जगह पर तो उसके पुतले भी फूके जा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सुपर अर्जुन सच में बुराई का साथ दे रहा है, या अभी भी अच्छाई का ही रक्षक है? मुझे तो इसकी हकीकत जाननी होगी, विराज अपने आप से बातें करते हुए कहता है। एक तरफ विराज सुपर अर्जुन को लेकर कंफ्यूज था, तो वहीं उधर डॉक्टर जूल की लेबोरेटरी में डॉक्टर जूल क्लोन अर्जुन से कुछ बातें कर रहा है। शायद इस बार वो क्लोन अर्जुन को अपना हथियार बनाकर दुनिया में तबाही लाएगा। हमें आने वाले खतरे से निपटने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक न हुआ हो। हमें किसी भी हाल में सुपर अर्जुन को पास्ट जाकर पास्ट को चेंज करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने पास्ट में चेंजेस ला दिए तो फिर हम में से किसी का वजूद नहीं बचेगा, डॉक्टर जूल ने कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, तो फिर जल्दी करिए डॉक्टर, और जल्दी से पास्ट में जाकर अर्जुन को वो सब करने से रोकिए जिससे कि आपको खतरा है, क्लोन अर्जुन ने कहा। तुम इसे इतना आसान समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है सब, क्योंकि किसी भी टाइम पीरियड में टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम मशीन की जरूरत होती है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, डॉक्टर जूल ने कहा। तभी इतने में आरव बोला, आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर, आपके लिए टाइम मशीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा कहना ठीक है आरव, लेकिन टाइम मशीन बनाना कोई बच्चों का काम तो नहीं है। पास्ट में एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास प्रोफेसर श्रीनिवासन की टाइम मशीन आ गई थी, जो मैंने श्रीनिवासन से छीन ली थी, लेकिन उस सुपर अर्जुन ने उन एलियन के साथ मिलकर मुझसे मेरी टाइम मशीन छीन ली, गुस्से से आग बबूला होते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना कभी पॉसिबल ही नहीं है, आरव ने पूछा। शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने अभी अभी जो कहा उसके लिए तुम्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। मैं दुनिया का महान साइंटिस्ट डॉक्टर जूल, जिसे इम्पॉसिबल शब्द से नफरत है। आइंदा से ध्यान रहे, अगर इस इम्पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल मेरे सामने किया तो दोबारा से शब्द को बोलने लायक नहीं रहोगे, डॉक्टर जूल ने एक अजीब आवाज में आरव को धमकाते हुए कहा। माफ करना डॉक्टर, मुझसे गलती होगी, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, आरव ने डॉक्टर जूल से माफी मांगते हुए कहा। वैसे तो आप जानते हैं ना कि पूरी दुनिया में जगह जगह लोग सुपर अर्जुन के पुतले फूंक रहे हैं, उसके बैनर में कालिख पोती जा रही है, और अब सुपर अर्जुन से नफरत करने लगे हैं लोग। मुझे लगता है यही वो समय है जब हमें सुपर अर्जुन को लोगों की नजर में पहले से भी ज्यादा गिरा देना चाहिए, आरव ने क्लोन अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। सही वक्त पर तुमने सही बात की आरव, अब बहुत जल्द सुपर अर्जुन के लिए लोगों के दिलों में सिर्फ नफरत होगी, सिर्फ नफरत। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। रात से सुबह हो गई, सुबह सुपर अर्जुन का क्लोन जो अब शैतान बन चुका है उसने लोगों के बीच दस्तक दे दी है। एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर पूरे शहर को वो अपनी खूंखार नजरों से दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर बिल्डिंग के नीचे सड़क पर खड़े लोग क्लोन अर्जुन को देख रहे हैं। ओ, आखिरकार तुम आ ही गए सुपर अर्जुन, वापस से तबाही मचाने के लिए, लेकिन इस बार हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम भले ही जान दे देंगे, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे, नीचे खड़े लोगों ने कहा, जो अपने हाथ में बैनर लिए सुपर अर्जुन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग अभी इस बात से अनजान है कि बिल्डिंग की छत पर खड़ा शख्स सुपर अर्जुन नहीं बल्कि उसका क्लोन है, जिसे डॉक्टर जूल ने एक शैतान बना दिया है।
तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि तुम लोग आम इंसान हो। मैं कई सारी सुपर पावर्स ले लूं जो पल भर में तुम्हें खत्म कर देगा, इसलिए तुम मेरे लिए कीड़ों के समान हो। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं चाहूं तो पल भर में ही तुम्हें खत्म कर सकता हूं, क्लोन अर्जुन ने उन लोगों से कहा। हाँ, तुम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो, हमारा शक सही था। तुमने पहले अच्छाई का रक्षक बनकर हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई और उसके बाद से खुद बुराई के समर्थक बन गए। तुमने खुद की जान बचाने के लिए सब किया ना, क्योंकि तुम अच्छे से जानते थे कि तुम पहले की तरह सुपर अर्जुन रहे तो बुराई की ताकत तुम्हें खत्म कर देगी। और वैसे भी इतने सारे शैतानों का मुकाबला तुम अकेले करते भी कैसे, इसलिए तो तुमने बुराई का रास्ता चुना, भीड़ में से लोगों ने कहा, पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो आखिरकार तुम्हें मेरी असलियत पता तो चली। चलो ठीक है, अब तुम्हें मेरी असलियत पता चली गई है तो मैं तुम सभी को अभी कभी खत्म कर देता हूं। अब बचा सकते हो खुद को तो बचा लो। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्लोन अर्जुन नीचे खड़े उन लोगों से कहता है जो कि अभी सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन उनकी जान की फिक्र किए बिना अगले ही पल क्लोन अर्जुन अपने मुंह से आग के गोले बरसाना शुरू कर देता है और पल भर में उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। अरे भागो भागो भागो, लोगों में भगदड़ मच जाती है। तुम इंसान मेरा सामना करने चले थे, देख लिया ना सुपर अर्जुन से भिड़ने का अंजाम। अब एक एक करके मैं सभी को खत्म कर दूंगा, इंसानों का सर्वनाश कर मैं बुराई को पूरी दुनिया में फैला दूंगा। अजीब सी हंसी हंसते हुए क्लोन अर्जुन कहता है। अब धीरे धीरे क्लोन अर्जुन की आंखें पूरी तरह लाल पड़नी शुरू हो गई है। वो एकाएक हर एक बढ़ते कदम के साथ शहर की बिल्डिंगों को तबाह करते जा रहा है और उसे जो कोई भी रास्ते पर मिल रहा है वो उसे खत्म कर देता है, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई बच्चा। क्लोन अर्जुन को उसकी जान लेने से मतलब है, इसलिए वो किसी की भी परवाह किए बिना उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्टर ज़ूल दिख रहा है जो क्लोन अर्जुन की इस हरकत से काफी खुश है। अर्जुन ने पूरे शहर में अभी तबाही मचा दी है। सुपर अर्जुन ना सही तो उसका क्लोन ही सही, अब ये क्लोन बनेगा सुपर अर्जुन की बर्बादी का कारण जो मेरे शैतानी एक्सपेरिमेंट का शिकार होकर खुद इस दुनिया को तबाह करने चला है। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर ज़ूल ने कहा। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, अब यहाँ वो अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन भी नहीं है जो हमारी मजबूत ताकत का सामना कर सके। अब कुछ ही देर में सुपर अर्जुन का क्लोन पूरे शहर को शमशान में बदल लेगा, आरव ने हंसते हुए कहा। लेकिन खेल अभी यहीं रुका नहीं, अभी तो तबाही की सिर्फ शुरुआत हुई है और ये तबाही तो तब तक जारी रहेगी जब तक सभी लोग हमारे गुलाम न बन जाए। मैं पूरी धरती से इंसानियत को मिटता हुआ देख रहा हूँ और बहुत जल्द खुद को इस ब्रह्मांड का बादशाह बनते भी देख रहा हूँ। मुझे मेरे इरादों में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर ज़ूल ने कहा। वैसे डॉक्टर, धरती पर राज करने के बाद आपने क्या सोचा है, आरव ने पूछा, जिस पर डॉक्टर ज़ूल ने कुछ याद करते हुए कहा। धरती के बाद मुझे पेंडोरा ग्रह के वासियों को बंदी बनाना है, मुझे उनसे बदला लेना है। एक और जहां क्लोन अर्जुन पूरे शहर को तबाह करने पर तुला हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ विराज को अभी एहसास होने लगा है कि कोई है जिसने शहर में तबाही मचाई हुई है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर अभी विराज है वो कोई पुरानी कार की फैक्ट्री है जहां पड़ी कारों में अब जंग लग चुका है और उसी की बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर सुपर अर्जुन का क्लोन नीचे मासूम लोगों पर आग के गोले बरसा रहा है। उधर बिल्डिंग के बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनकर विराज बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि कोई है जो लोगों को मारने लगा है और यहां तक कि उसने आसपास की बाकी बिल्डिंग्स को अपनी पावर से तोड़ दिया है। एक छोटी सी बच्ची जो वहां एक जगह पर फंसी हुई है जिसके ऊपर बिल्डिंग की छत का एक बड़ा सा टुकड़ा आ गया है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग की छत का बड़ा टुकड़ा एक दीवार पर लगकर रुक गया है जिसके नीचे वो छोटी सी बच्ची बैठकर रो रही है, लेकिन उसकी जान कभी भी जा सकती है क्योंकि क्लोन अर्जुन की नजर अभी उस मासूम बच्ची पर है। उसकी माँ बच्ची के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्ची एक ऐसी जगह फंसी हुई है जहां उसकी माँ के लिए जा पाना मुश्किल है। तभी अचानक उस बच्ची के ऊपर से बिल्डिंग की छत का टुकड़ा उठने लगता है और साइड में आकर गिर जाता है और अगले ही पल वो बच्ची हवा में उड़ने लगती है जिसे क्लोन अर्जुन अपनी शक्तियों से हवा में उछाल रहा है। मेरी बेटी को छोड़ दो सुपर अर्जुन, वो मासूम है, उसने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उस लड़की की माँ क्लोन अर्जुन के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे काम करने में, मेरा अभी खेलने का समय है, मुझे डिस्टर्ब ना करो, क्लोन अर्जुन ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। अर्जुन को यह सब करता देख विराज बड़े ध्यान से देख रहा है और सोच रहा है, ओह तो इसका मतलब यही सुपर अर्जुन है, लेकिन ये तो बेकसूर लोगों को मार रहा है तो फिर ये अच्छाई का रक्षक कैसे हो सकता है, लेकिन ये लोगों को क्यों मार रहा है, विराज अपने मन में सवाल करता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुपर अर्जुन, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, उस बच्ची की माँ फिर एक बार क्लोन अर्जुन के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, ये बच्ची मेरे लिए किसी खिलौने की तरह है, इसलिए आइंदा से अगर तुमने मेरे खेल में जरा भी दखलंदाजी की ना तो मैं इसके साथ तुम्हें भी मार डालूंगा, क्लोन अर्जुन एक अजीब सी शैतानी आवाज में कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक किनारे पर खड़ा विराज कुछ सोच रहा है। मुझे लगता है सुपर अर्जुन से लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब क्यों करूं, ये तो मेरी दुनिया नहीं है, ऐसा कहते ही विराज वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन कुछ कदम पीछे जाने के बाद वो रुक जाता है। ये दुनिया भले ही मेरी ना हो लेकिन मैं किसी ताकतवर को किसी निर्दोष पर जुल्म करता नहीं देख सकता, हालांकि सुपर अर्जुन अभी बुराई का साथ दे रहा है और मैं बुराई को इस तरह हावी होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहते ही वो वापस आ जाता है और मन ही मन कुछ याद करने लगता है।
क्लोन अर्जुन अभी भी एक छोटी सी मासूम बच्ची को हवा में उछाल रहा है, जिसको देखकर विराट से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बहुत हुआ खेल, और वैसे भी इस बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं तो बोर हो चुका हूं, इसलिए इसे अब जाने देता हूं। तुम मुझसे यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो ठीक है मैं छोड़ देता हूं तुम्हारी बेटी को, और हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। उस बच्ची की मां से ऐसा कहते ही क्लोन अर्जुन उस बच्ची को हवा से नीचे फेंक देता है। जहां अब उस बच्ची की मां की सांसें अटक गई है, तो वहीं क्लोन अर्जुन जोर जोर से हंस रहा है। लेकिन तभी उस बच्चे को नीचे किसी के हाथों ने पकड़ लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि विराज है, जिसकी पूरी बॉडी अभी एक कॉस्ट्यूम से ढक गई है, जो कि किसी सुपर हीरो की तरह है। विराज उस बच्ची को उठाकर उसकी मां को सौंप देता है और कहता है, ये रही आपकी बेटी। विराज को पहली बार इस हाल में देखकर क्लोन अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर जूल पूरी तरह हैरान हो जाता है। कौन है ये जो क्लोन अर्जुन से टकराने चला है? डॉक्टर जूल ने कहा। कहीं सुपर अर्जुन वापस तो नहीं आ गया? आरव ने पूछा। नहीं, ये सुपर अर्जुन नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे ये कोई और लगता है, लेकिन कौन हो सकता है ये जो इतनी बड़ी शैतानी शक्ति का सामना करने जा रहा है? डॉक्टर जूल ने कहा। मुझे तो लगता है ये भी सुपर अर्जुन की तरह कोई सुपर हीरो है, पर आज ही अचानक कहां से आ गया? आरव ने हैरान होते हुए पूछा। एक तरफ डॉक्टर जूल विराज को देखकर हैरान है, तो वहीं दूसरी तरफ लायका अभी रणवीर के ऑफिस में मौजूद है, जहां उसे भी पता चल चुका है कि सुपर अर्जुन शहर में तबाही मचा रहा है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन लोगों की जान नहीं ले सकता, लायका खुद से बातें करते हुए कहती है। वो अभी बहुत परेशान है, जिस पर रणवीर की नजर पड़ती है। रणवीर, जिसे लायका को लेकर शक हो गया है। रणवीर को अंदर ही अंदर लगता है कि लायका उससे बहुत बड़ा राज छिपा रही, क्योंकि कल ही रणवीर ने ऑफिस के वॉशरूम में एक एलियन को देखा था, जो कि लायका थी। लेकिन जब दोबारा ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय के साथ रणवीर वॉशरूम की तरफ गया, तो उसे वहां लायका दिखाई दी, जो मेघा के रूप में वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। कहीं मेघा मुझसे कुछ ऐसा तो नहीं छुपा रही है जो काफी गहरा राज हो? अरे हाँ, जब मैं कल वॉशरूम में उस एलियन को देखा था, तो ठीक उससे पहले मेघा भी वॉशरूम में तो गई थी। कहीं मेघा ही तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचते रहता हूँ मेघा के बारे में। बेचारी किसी और कारण से परेशान होगी, मुझे उसके पास जाकर पूछना होगा। ऐसा कहते ही रणवीर मेघा यानी कि लायका के पास चला जाता है। क्या बात है मेघा, तुम भी उसी बात को लेकर परेशान तो नहीं हो जिसे लेकर सभी परेशान है? रणवीर ने लायका से पूछा। हाँ, मेरा दिल कहता है सुपर अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, लायका ने जवाब दिया। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है कि सुपर अर्जुन ने फिर शहर में कहर बरपा दिया है। उसने कई लोगों को मार डाला है, और अब तो मुझे लगता है कि किसी भी पल वो हमें भी मार डालेगा, रणवीर ने कहा, जिसे सुन लायका को काफी बुरा लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है सुपर अर्जुन। ऐसा कहते ही लायका रुक गई। तभी अचानक रणवीर ने रिमोट उठाया और ऑफिस की टीवी चालू कर दिया, जिसमें सुपर अर्जुन को लेकर न्यूज आ रही है। सुपर अर्जुन ने कई मासूम लोगों की जान ले ली है, और फिर एक बार वो पूरे शहर को तबाह करने पर तुला हुआ है। अच्छाई का रक्षक बना, अच्छाई का दुश्मन, अब कौन बचाएगा लोगों को इस शैतान सुपर अर्जुन से? न्यूज एंकर ने खबर बताते हुए कहा, जिसे अभी रणवीर और लायका दोनों देख रहे हैं। देख लो मेघा, कैसे सुपर अर्जुन मासूम लोगों की जान ले रहा है, और तुम हो कि अभी भी कह रही हो कि सुपर अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, रणवीर ने लायका से कहा। कहीं इसका मतलब डॉक्टर जूल ने अपनी शैतानी एक्सपेरिमेंट से सुपर अर्जुन को भी शैतान तो नहीं बना दिया? शायद यही कारण है सुपर अर्जुन का लोगों को मारने का, लायका मन ही मन सोचते हुए कहती है। अगर मेरे पास सुपर पावर होती ना, तो मैं तो अभी कभी सुपर अर्जुन को मौत के घाट उतार देता, लेकिन मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, सुपर अर्जुन का सामना भी तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या अब सुपर अर्जुन सभी लोगों को खत्म कर देगा, या फिर कोई आएगा सुपर अर्जुन से हमारी रक्षा करने के लिए? तभी अरुण ने कहा। जब अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन ही बुराई का रक्षक और अच्छाई का दुश्मन बन गया है, तो फिर ऐसे में कौन आएगा हमें बचाने के लिए? मुझे तो लगता है अब हम सभी की भी आखिरी घड़ी आ चुकी है, रणवीर ने मायूस होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें से कोई नहीं मरेगा, सुपर अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा, लायका ने अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए जवाब दिया। ये तुम बार बार सुपर अर्जुन का ही पक्ष क्यों ले रही हो मेघा? तुम भी तो अच्छी तरह जानती हो ना कि कैसे सुपर अर्जुन मासूम लोगों को मार रहा है, तो फिर भी तुम सुपर अर्जुन को सपोर्ट कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों? रणवीर ने चौंकते हुए पूछा। रणवीर की इस बात पर लायका ने अपना सर झुका लिया। तो वहीं अपने फोन में आज की न्यूज देख रहा रोमा इस न्यूज को सुनकर हैरान हो जाता है कि सुपर अर्जुन शहर में तबाही मचा रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे बुराई के खिलाफ लड़ने वाला सुपर अर्जुन खुद आज बुरा काम कर रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुपर अर्जुन ये सब कर सकता है, रोमा ने चौंकते हुए कहा। हाँ भाई, यही सच है, वो सुपर अर्जुन अब अच्छाई का दुश्मन बन चुका है, रोमा के बगल में खड़े एक शख्स ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर रोमा ने मन ही मन कहा, मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए जहां अभी सुपर अर्जुन मौजूद है, हो सकता है अगर मैं एक बार बात करके देखूं तो शायद कुछ हो जाए। ऐसा कहते ही रोमा वहां से चला गया। वहीं इधर दूसरी तरफ क्लोन अर्जुन विराज को उसे चमकते हुए कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान है और सोच में पड़ गया है। कौन हो तुम? क्लोन अर्जुन ने विराज से पूछा। मैं जो कोई भी हूं तुम्हें जानना जरूरी नहीं, तुम्हारे लिए अभी बस ये जानना जरूरी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी, विराज ने क्लोन अर्जुन से कहा। ओह, तो तुम मुझे रोकोगे मेरे मकसद में कामयाब होने से? क्लोन अर्जुन ने पूछा। हाँ, अब वक्त आ गया कि मुझे तुम्हें खत्म करना होगा, और साथ ही खत्म करना होगा बुराई की उन ताकतों को भी जो तुम्हारा साथ दे रही है, विराज ने क्लोन अर्जुन को धमकाते हुए कहा।
शायद तुम नहीं जानते कि तुम अभी किसके सामने खड़े हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि किसी भी पल मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके तुम मुझको चुनौती दे रहे हो। ये बहुत बहादुरी की बात है, इसलिए मैं तुम्हारी बहादुरी को सलाम करता हूँ। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्लोन अर्जुन कहता है, मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ कमजोरों के लिए ही है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम वही सुपर अर्जुन हो जो लोगों के सामने आज तक सिर्फ अच्छाई का रक्षक बनने का धूम करते आए हो। लेकिन आज तुमने खुद ही अपना यह शैतानी चेहरा लोगों को दिखा दिया और यह साबित कर दिया कि वक्त आने पर तुम अपनी जान बचाने के खातिर बुराई का साथ भी दे सकते हो। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक ताकतवर विराज से होने जा रहा है। विराज ने फिर एक बार क्लोन अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहा, और इस बार क्लोन अर्जुन गुस्से से दहक उठा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहते ही क्लोन अर्जुन उस बिल्डिंग की छत से उड़कर सीधा नीचे विराज के सामने आ गया और उसे अपनी खूंखार नजरों से देखने लगा। अगले ही पल क्लोन अर्जुन ने विराज के ऊपर अपने पंच से अटैक किया और इस अटैक से विराज करीब 100 मीटर पीछे की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद विराज दोबारा से उठकर खड़ा हुआ और सीधा क्लोन अर्जुन के सामने आ गया। लेकिन फिर एक बार क्लोन अर्जुन ने विराज के ऊपर अपने पावरफुल पंच से अटैक किया, लेकिन इस बार अपने बाएं हाथ से क्लोन अर्जुन के पंच को रोकते हुए विराज ने अपना एक जोरदार पंच क्लोन अर्जुन को जड़ दिया, जिससे क्लोन अर्जुन सामने की बिल्डिंग के अंदर धंस गया। देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग जमा हो गए। सभी लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अच्छाई के एक नए मसीहा का जन्म हो चुका है जो बुराई की ताकतों के साथ ही सुपर अर्जुन को भी खत्म कर देगा। अच्छाई के दुश्मन बन चुके सुपर अर्जुन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है एक नया सुपर हीरो जिसका नाम है विराज। सुपर अर्जुन ने कई मासूम लोगों को मारा, लेकिन अब उसे उसके लिए सजा मिलेगी जो उसे देगा अच्छाई का एक नया रक्षक विराज। कुछ इस तरह की न्यूज अभी अभी सभी न्यूज चैनलों में आनी शुरू हो गई है, और अब यह खबर रोमा तक भी पहुंच गई जो कि राह चलते अपने फोन में इस न्यूज को देख रहा है। अच्छाई का नया रक्षक विराज, अब ये विराज कौन है? सुपर अर्जुन के अलावा अच्छाई का रक्षक अचानक कहां से आ गया? रोमा ने खुद से बातें करते हुए कहा। वो विराज से मिल चुका था, पर अभी विराज अपनी चमकती कॉस्ट्यूम में है जिसके कारण वो विराज को पहचान नहीं पा रहा है। क्या है? अच्छाई का एक नया रक्षक विराज, ये कौन है और अचानक कैसे पैदा हो गया इस धरती पर? दूसरी तरफ डॉक्टर जूल ने चौंकते हुए पूछा, जो ये सब अपनी लेबोरेटरी में मौजूद एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है। रोमा भी अब उस जगह जा पहुंचा जहां क्लोन अर्जुन और विराज आमने सामने है, जहां रोमा भीड़ में खड़े होकर विराज और क्लोन अर्जुन के इस संघर्ष को देख रहा है। ओह, तो ये है विराज। आखिर कौन हो सकता है ये जो सुपर अर्जुन से पंगा लेने चला है? और हैरानी की बात तो ये है कि ये अच्छाई के लिए लड़ रहा है, और वहीं अच्छाई का मसीहा सुपर अर्जुन बुराई के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये सुपर अर्जुन इतना बदल कैसे गया? जो कल तक अच्छाई का रक्षक बना फिरता था, वो आज अच्छाई का दुश्मन कैसे बन सकता है? रोमा ने अपने आप से मन ही मन कहा। एक तरफ रोमा ये सब सोच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अभी क्लोन अर्जुन और विराज के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है, जहां अब धीरे धीरे विराज क्लोन अर्जुन के ऊपर हावी होता जा रहा है। विराज ने अभी क्लोन अर्जुन के ऊपर पहली बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, जिस सुपर पावर के अटैक से क्लोन अर्जुन सैकड़ों मीटर हवा में उछलता हुआ वापस जमीन पर गिर पड़ा। विराज, विराज! वहां पर खड़े लोग जोर जोर से विराज विराज पुकार कर उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं वो विराज को उकसा रहे थे कि वो अब जल्द ही क्लोन अर्जुन को खत्म कर देंगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता सुपर अर्जुन, एक तेज आवाज में विराज ने क्लोन अर्जुन से कहा। क्लोन अर्जुन अभी पूरी तरह घायल हो चुका है और थका हारा एक जगह पड़ा है, तभी तेजी से भागता हुआ विराज उसके पास गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ सुपर अर्जुन। विराज ने अपने हाथ में एक तेज तर्रार वेपन पकड़ा हुआ है जो किसी कुल्हाड़ी की तरह है। जैसे ही विराज अपने उस वेपन को क्लोन अर्जुन की तरफ बढ़ाता है, वैसे ही क्लोन अर्जुन बिजली की गति से वहां से चला जाता है। अब क्लोन अर्जुन विराज के ठीक पीछे की बिल्डिंग के छत पर खड़ा है, जो विराज को बड़े गुस्से से देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पल भर में मुझे यानी कि सुपर अर्जुन को खत्म कर दोगे? तो मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारा ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है विराज, क्योंकि तुमसे पहले भी कई लोगों ने मुझे खत्म करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन मैंने उन्हें उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया, और आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से तुम्हारा खात्मा होगा, क्लोन अर्जुन ने विराज से कहा। और अगले ही पल क्लोन अर्जुन ने विराज के ऊपर अपनी सुपर पावर से अटैक कर दिया, और इस अटैक से विराज धरती चीर के नीचे गहरे गड्ढे में जा पहुंचा। उसके बाद क्लोन अर्जुन यही नहीं रुका, उसने वहां पर खड़ी तमाम गाड़ियों को उठाकर विराज के ऊपर फेंक दिया, और अपनी सुपर पावर से तोड़ी गई बिल्डिंग के टुकड़ों को भी विराज के ऊपर फेंक डाला। विराज को नीचे मिट्टी में दबे हुए अब 10 मिनट होने को है, लेकिन अभी भी विराज उस गड्ढे से बाहर नहीं निकला। तो यही था तुम्हारा सुपर हीरो जिसे मैंने बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारा विराज अब दोबारा नहीं उठेगा। मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है, और अब तुम लोगों की बारी है मौत की नींद सोने की। अब तुम सभी देखोगे कि कैसे मैं इस पूरी दुनिया को शमशान में बदल दूंगा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्लोन अर्जुन नीचे खड़े लोगों से कहता है। लेकिन अचानक तभी उस जगह पर एक हलचल होती है, और अगले ही पल मिट्टी और पत्थर के उस बड़े ढेर से एक तेज रोशनी के साथ विराज बाहर आ जाता है। उसका पूरा शरीर एक तेज रोशनी के साथ चमक रहा है, और उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास है। उसे देखकर लग रहा है कि वो किसी भी पल क्लोन अर्जुन को खत्म कर देगा। आखिर क्या है राज विराज के इतने शक्तिशाली होने का?
डॉक्टर जूल विराज को एक बार फिर जिंदा देख चौंक जाता है। वो अभी भी उसे अपनी लेबोरेटरी में मौजूद एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने क्लोन अर्जुन को अपनी शैतानी शक्तियों से शैतान बना दिया, जिससे कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सके। लेकिन इस विराज ने तो क्लोन अर्जुन की शक्तियों के वार को आसानी से झेल लिया और अब यह फिर से खड़ा हुआ है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सुपर अर्जुन का ही कोई भाई हो, जो सुपर अर्जुन की तरह अच्छाई का रक्षक बनकर बुराई को खत्म करने इस दुनिया में आए। डॉक्टर जूल परेशान होते हुए कहता है, हाँ डॉक्टर, आपका कहना ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसे देखकर लगता है कि जैसे इसे किसी ने एक बहुत गहरी साजिश के साथ यहाँ भेजा है, ताकि ये शैतानों से धरती वालों की रक्षा कर सके। आरव ने अपनी तरफ से कहा, इनकी शक्तियां यह अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि इसका मुकाबला कर पाना हर किसी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि सुपर अर्जुन के पास में जाने के बाद सब कुछ हमारा होगा, लेकिन यहां तो इसके उल्टा हो रहा है। डॉक्टर जूल ने दांत पीछते हुए कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कैसे विराज क्लोन अर्जुन के ऊपर अब हावी होता जा रहा है? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी विराज अब क्लोन अर्जुन को हरा देगा, आरव ने कहा। जिसकी बात सुन डॉक्टर जूल आरव को गुस्से से घूरने लगा। ना, क्लोन अर्जुन के अंदर जो शैतानी शक्तियां हैं वो मेरी शैतानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, या यूं कहो कि क्लोन अर्जुन का ये रूप मैंने ही तैयार किया है, जो इतनी आसानी से हार नहीं सकता, डॉक्टर जूल ने कहा। डॉक्टर जूल और आरव को विश्वास है कि क्लोन अर्जुन विराज का सामना कर उसे खत्म कर देगा, लेकिन आगे क्या होने वाला है, कौन किसे मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उधर दूसरी तरफ विराज लगातार क्लोन अर्जुन के खतरनाक अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और अब तो आलम यह है कि क्लोन अर्जुन के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं बचा जिसके दम पर वो विराज का सामना कर सके। आखिर विराज के आगे क्लोन अर्जुन को हारना ही पड़ा। विराज ने क्लोन अर्जुन के पास जाकर उस पर पहले तो लगातार अपने पावरफुल पंचों से हमला किया, और फाइनली उसने अपनी सुपर पावर से क्लोन अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया, जो कि अब राख का ढेर बन चुका है। क्लोन अर्जुन को खत्म करने के बाद ऊपर बिल्डिंग पर चढ़े विराज ने नीचे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। वे सभी लोग विराज को देखकर काफी खुश है, क्योंकि अब लोगों को विराज के रूप में एक नया सुपर हीरो मिल चुका है, जो शैतानी ताकत से इस दुनिया की रक्षा कर सके। लेकिन अगले ही पल विराज तेजी से उड़ान भरते हुए वहां से चला गया। हमें हमारा नया सुपर हीरो मिल चुका है, जिसने आज न सिर्फ सुपर अर्जुन को खत्म किया, बल्कि आने वाले वक्त में भी वो इसी तरह शैतानी शक्तियों से हमारी रक्षा करते रहेगा, लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं। अच्छाई का एक नया मसीहा विराज ने किया, शैतान बन चुके सुपर अर्जुन का अंत, फिर एक बार लोगों के चेहरों से शैतानी खौफ उठ गया है, क्योंकि आज दुनिया को विराज के रूप में एक नया सुपर हीरो मिल गया। कुछ इस तरह की न्यूज अभी काफी सारे न्यूज चैनल टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनार घाट में मौजूद अर्जुन की मां देविका को सुपर अर्जुन के मरने की खबर मिलती है। अर्जुन की मां देविका ये अच्छी तरह जानती है कि उसका असल बेटा अर्जुन अभी पास्ट में गया हुआ है। तो वहीं अर्जुन की मौत की खबर सुनकर अब उसे समझ आ गया कि क्लोन अर्जुन का अंत हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बुराई का साथ देते हुए नहीं मर सकते। अपनी बेटी की तरह तुम्हें भी मैंने अपना बेटा माना था, लेकिन आज तुमने बुराई का साथ दिया जिसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ा। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? बुराई का साथ क्यों दिया? देविका ने रोते हुए कहा। देविका को लग रहा है कि क्लोन अर्जुन ने बुराई का साथ देकर आज अपनी मौत को आमंत्रण दिया था, लेकिन हकीकत तो यह है कि क्लोन अर्जुन ने यह सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि यह सब उससे डॉक्टर जूल ने करवाया। डॉक्टर जूल ही वो शख्स था जिसने घायल क्लोन अर्जुन को अपने शैतानी एक्सपेरिमेंट से शैतान बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब यह खबर न्यूज चैनल के माध्यम से लायका तक भी पहुंच गई है कि सुपर अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो फटाफट अपने काम से उठकर ऑफिस में एक सुनसान कोने पर चली जाती है, और वहां पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। क्यों किया तुमने ऐसा सुपर अर्जुन? तुम तो अच्छाई के रक्षक और मेरे दोस्त थे ना, फिर क्यों तुमने अच्छाई का साथ छोड़ बुराई का साथ पकड़ा? बुराई का अंजाम बुराई होता है, अब देखो ना, इसी बुराई के साथ देने की वजह से अब तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर तुम अपनी जान अच्छा की रक्षा करते करते गवाते तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आज तुमने बुराई का साथ देकर खुद को मेरी नजरों में भी कहीं नीचे गिरा दिया। लायका ने दीवार पर अपना सिर मारते हुए कहा। इधर शहर में विराज तो वहां से जा चुका था, लेकिन रोमा अभी भी उस दिशा की ओर जा रहा है जिस दिशा की ओर विराज ने अभी कुछ देर पहले ही उड़ान भरी थी। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सुपर अर्जुन बुराई का साथ देते हुए मारा गया। हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि सुपर अर्जुन जो अच्छाई का रक्षक था बुराई का साथ मरते दम तक भी नहीं दे सकता, कुछ तो गड़बड़ है। रोमा अपने आप से बातें करते हुए कहता है। तकरीबन आधे घंटे तक उस दिशा की ओर भागते हुए रोमा को वहां किसी के होने का एहसास हुआ, जिस दिशा की ओर आधे घंटे पहले ही विराज ने उड़ान भरी है। भागते भागते रोमा एक सुनसान जगह पहुंचा जो कि नदी का एक किनारा है, और वहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हैं। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहां लोगों की आवाजाही बेहद कम है। वहां पहुंचकर रोमा ने देखा कि विराज की बॉडी से तेज लाइट निकलनी शुरू हुई, और थोड़ी ही देर में वो वापस से एक नॉर्मल सा इंसान बन गया है। ओह, तो ये बात है, यही वो शख्स है जिसने उस लड़की को बचाया था जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, और यही वो शख्स है जिसने सुपर अर्जुन को आज मौत के घाट उतार दिया, रोमा ने अपने मन में सोचते हुए कहा। अगले पल रोमा पेड़ के पीछे से निकलकर विराज के सामने जा पहुंचा, जिसे देखकर विराज पूरी तरह चौंक उठा। तुम तो वही हो ना जो आज बेवजह मुझसे उल्टे सवाल पूछकर मुझे मारने पर तुले हुए थे, लेकिन फिर मैंने अपना बचाव करते हुए तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाया था, विराज ने रोमा से कहा। हाँ, मैं वही हूं, रोमा ने जवाब दिया। लेकिन अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? कहीं फिर से तुम्हारा मुझसे लड़ने का इरादा तो नहीं है ना? विराज ने चौंकते हुए रोमा से पूछा। नहीं नहीं, मैं यहां इस बार तुमसे कोई लड़ाई करने नहीं आया हूं, और ना ही तुमसे कोई ऐसे सवाल करूंगा जिससे तुम्हें लगे कि मेरा मकसद तुम्हारे लिए गलत है, रोमा ने थोड़ा निराश होते हुए जवाब दिया।
अगर तुम्हारा मकसद गलत नहीं है तो तुम यहां क्या करने आए? क्या चाहते हो तुम मुझसे? विराज ने रोमा से पूछा। मुझे अभी अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने आज सुपर अर्जुन का खात्मा किया, इसलिए आज मैं तुमसे तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूं कि तुम असल में हो कौन, रोमा ने सवाल किया। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने वो भी सुपर अर्जुन को मारा? अरे मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल सा इंसान हूं, तो मैं कैसे सुपर अर्जुन का खात्मा कर सकता हूं? विराज ने घबराते हुए जवाब दिया। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते, अब तुम मुझसे ज्यादा देर तक कुछ नहीं छुपा सकते विराज, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, रोमा ने जवाब दिया। रोमा की इस बात पर विराज थोड़ा घबराने लगा, लेकिन रोमा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें आज अच्छाई के लिए लड़ता हुआ देख मैं समझ गया हूं कि तुम डॉक्टर जूल के क्रिएशन तो नहीं हो सकते और ना ही कोई शैतान हो सकते हो। जहां तक मेरा अनुमान है तुम इस धरती के नहीं हो सकते, हो ना तुम जरूर कोई परग्रही हो जो अपने किसी मकसद के लिए धरती पर आया है। बोलो क्या मैं सच कह रहा हूं? रोमा ने कहा। रोमा से इतने सारे सवाल सुनकर विराज थोड़ा घबरा गया और साथ ही हैरान भी हो गया। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस ग्रह का नहीं हूं? विराज ने सवाल किया। क्योंकि इस दुनिया के इंसान नॉर्मल होते हैं और तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। जब तुमने उस लड़की को बचाते हुए मनचले गुंडों की धुनाई की तभी मैं तुम्हें देखकर समझ गया था कि तुम इस ग्रह के नहीं हो सकते। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक परग्रही हो? तो तुम भी तो मेरी सच्चाई सुन लो, मैं भी एक एलियन हूं जो कि तुम्हारी तरह किसी और ग्रह से आया हूं, रोमा ने बताया। क्या कह रहे हो तुम? विराज ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ हाँ, मुझमें और तुम्हें कोई अंतर नहीं है विराज, मैं भी किसी और प्लैनेट से धरती पर आया हूं और तुम भी। मेरा यहां आने का मकसद सुपर अर्जुन को बचाना था, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, रोमा ने विराज से कहा। लेकिन तुम सुपर अर्जुन को क्यों बचाना चाहते थे? उसने तो बुराई का साथ देना शुरू कर दिया था ना, पर आज तो तुमने देखा ही होगा कि कैसे उसने कई बेकसूर लोगों को मार डाला, फिर तुम उसका साथ क्यों देना चाहते थे? विराज ने रोमा से सवाल किया। सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि सुपर अर्जुन बुराई के लिए लड़ते हुए आज खुद खत्म हो गया। जहां तक मैं सुपर अर्जुन को जानता हूं वो अच्छाई के लिए अपनी जान दे सकता था लेकिन कभी भी बुराई का साथ नहीं दे सकता, रोमा ने जवाब दिया, जिसके जवाब से विराज पूरी तरह से हिल गया। ये तो तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? विराज ने फिर एक सवाल रोमा से किया। क्योंकि मुझे इन सब के पीछे किसी की साजिश नजर आती है, सुपर अर्जुन पहले ऐसा नहीं था, जहां तक कि उसने कई बार शैतानों से इस धरती की रक्षा की थी, रोमा ने कहा। और साथ ही रोमा ने विराज को सुपर अर्जुन के बारे में सब कुछ बता दिया। रोमा ने विराज को सुपर अर्जुन के टाइम ट्रेवल वाली कहानी बताई, जब 2011 में टाइम ट्रेवल करके अर्जुन पास्ट में जा पहुंचा था, जहां उसने अपने माता पिता को देखा, क्योंकि जब अर्जुन छोटा था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे, लेकिन पास्ट में उसके माता पिता जिंदा थे। इसी दौरान अर्जुन के नए दुश्मन भी बने जिसमें श्रीनिवासन और डॉक्टर जूल शामिल थे। फिर आगे रोमा ने अर्जुन के उनके एलियन प्लैनेट पर जाने की बात भी कही और साथ ही यह भी बताया कि कैसे सुपर अर्जुन ने श्रीनिवासन को खत्म किया और कैसे डॉक्टर जूल को मारने में एलियंस का साथ दिया। सुपर अर्जुन की हकीकत जानकर खुशी हुई, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होती तब जब मरते वक्त सुपर अर्जुन ने बुराई का साथ ना दिया होता, विराज ने पूरी बात सुनते हुए कहा। कई बार हमें जो दिखता है ना वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तुम शायद जिसे सच समझ रहे हो सकता है वो सच ना होकर एक धोखा हो, रोमा ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा। कैसा सच और कैसा धोखा? विराज ने सवाल किया। पास में एक ऐसा वक्त आया जब अर्जुन के ही तरह सुपर पावर से लेस और उसी की तरह दिखने वाला उसका क्लोन दुनिया के सामने आया, तब पूरी दुनिया को यही लगा था कि वो सुपर अर्जुन है, लेकिन हकीकत यह थी कि वो उसका क्लोन था जो सुपर अर्जुन को लोगों की नजरों में गिराने का काम कर रहा था, लेकिन इन वक्त पर आकर सुपर अर्जुन ने उसका खात्मा कर दिया, रोमा ने पुरानी बात बताते हुए कहा। ओह, इसका मतलब कहीं जिसे मैंने अभी खत्म किया है वो सुपर अर्जुन का क्लोन तो नहीं? विराज ने कुछ सोचकर पूछा। हाँ, हो सकता है वो सुपर अर्जुन का क्लोन जिसे तुमने अभी खत्म किया है, क्योंकि यह आम बात है, रोमा ने कहा। रोमा की इस बात पर विराज सोच में पड़ गया। अरे किस सोच में पड़ गए तुम? देखो मैं तुम्हें मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम गलती से भी यहां से भागने की कोशिश मत करना, रोमा ने कहा। कैसा सवाल? विराज ने पूछा। यही कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, रोमा ने सवाल किया। मेरा असल नाम जैक्स है और मैं मेराटिनो नाम के एक प्लैनेट से यहां पर आया हूं जो इस ग्रह से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। मुझे मेरे प्लैनेट के लोगों ने एक साजिश के तहत मेरा अपमान कर मेराटिनो से बेदखल कर दिया और उसके बाद मैं काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में भटकता रहा, पर फिर अंतरिक्ष में भटकते भटकते मैं कब इस धरती पर आ गया इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला, विराज ने जवाब दिया। लेकिन क्यों किया गया तुम्हें तुम्हारे प्लैनेट से बेदखल? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या कुछ और कारण? रोमा ने विराज से सवाल किया। हाँ, साजिश तो थी, वो भी बहुत गहरी, जिसे मैं इन वक्त पर समझ नहीं पाया। जब मुझे पहली बार सुपर अर्जुन के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि सुपर अर्जुन मेरी मदद करेगा जिससे मैं अपने प्लैनेट जाकर वो सम्मान वापस से हासिल कर लूंगा जो मैंने अब खो दिया है, विराज ने कहा। विराज ने इसके बाद रोमा को आगे बताया। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने प्लैनेट मेरिटोनो में खुशी खुशी रहा करता था। मेरे पिताजी हमारे प्लैनेट के किंग थे जिसका नाम था किंग राइवर और मैं मेरिटोनो का प्रिंस जैक्स। फिर एक दिन सब खत्म हो गया, विराज कहते कहते अपने उस दिन के बारे में सोचने लगा। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे अचानक यहां क्यों बुलाया, इसकी कोई खास वजह? जैक्स ने अपने पिता से सवाल किया। मैं जानता हूं प्रिंस जैक्स, ये हमारी इतनी बड़ी सल्तनत के हम किंग है तो तुम इस रियासत के प्रिंस हुए। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि अभी तुम्हारी शिक्षा का समय है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा के बीच में ही मैंने तुम्हें यहां बुलाया, इसकी कोई खास वजह तो होगी? जैक्स के पिता ने जवाब दिया। क्या कारण था कि किंग ने अचानक अपने बेटे को बुलवाया था?